हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का नाश्ता बहुत ही टेस्टी होने वाला है, क्योंकि हम बनाएंगे इस नाश्ते को पोहे से। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी पोया और इनको अच्छे से साफ कर लिया है चलने से छान के, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा कचरा जैसा रहता है तो वो निकाल दिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पे मिक्सी का जार और इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी पोया। अब मैं डालूँगी इसी कटोरी से एक कटोरी सूजी। सूजी यहाँ पर आप बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक कटोरी सूजी भी डाल रही हूँ। अब मैं डालूंगी यहाँ पे एक चम्मच बेसन। तो चम्मच मेरा थोड़ा बड़ी साइज का है, छोटी चम्मच से माप करेंगे तो चार चम्मच है, और हम सूजी से माप करेंगे तो चौथा भाग है सूजी का। अब मैं डालूंगी इसमें चार हरी मिर्ची। मिर्ची यहाँ पे आप यहाँ पे कम ज़्यादा भी डाल सकते हो। तीन चार लहसुन की कली, एक टुकड़ा अदरक का। अब मैं डालूंगी इसमें आधी कटोरी दही। दही खट्टा नहीं ले यहाँ पे, तो मैं आधी कटोरी दही डाल रही हूँ और इसी कटोरी से एक कटोरी पानी डालूंगी। तो थोड़ा सा मैं इसे पहले ग्राइंड करूंगी, उसके बाद में मैं इसमें पानी डालूंगी। तो चलते हैं, तो हम ग्राइंड करके लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंड कर लिया है, एक कटोरी मैंने पानी भी डाला था। और मैं बताती हूँ आपको किस तरीके का पेस्ट बनाए। देखिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इस तरीके से मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी चुटकी भर हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हल्दी बाद में ही कलर अच्छा छोड़ती है। अभी थोड़ा कम कलर लगता है, लेकिन बाद में अच्छा दिखेगा। और ये मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। यदि ज़्यादा हल्दी डाल देंगे तो नाश्ता हमारा लाल लाल कलर हो जाएगा। इनको अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे मैंने बैटर को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे साइड में रखती हूँ और ऐसी प्लेट ली है इस तरीके की। यहाँ पे आप थाली भी ले सकते हो। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच तेल, और तेल को हाथ से हम अच्छे से फैलाएँगे पूरी प्लेट के ऊपर इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैंने तेल अच्छे से पूरी प्लेट पे लगा लिया है। अब इसे हम रखते हैं साइड में। वापस हम बैटर को लेंगे और बैटर में मैं डालूंगी यहाँ पे चुटकी भर खाने वाला सोडा। सोडे की जगह आप इनो भी डाल सकते हो, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही सोडा डालना बस। और इसको अच्छे से मिलाएंगे, और मिला के इसको साइड में नहीं रखना है, तुरंत ही हम इसे बनाएंगे नाश्ते को, नहीं तो इसका वो ख़त्म हो जाता है मीठे सोडे का, मतलब खाने वाले सोडे का, ज़्यादा देर रख देंगे तो। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब इसे डालेंगे हम जो प्लेट में हमने तेल लगाया था उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे पूरे बैटर को डाल दूँगी। यदि आपके पास बैटर ज़्यादा है तो आप दो प्लेटों में डाल सकते हो, दो बार में बना सकते हो। तो मैंने पूरा बैटर डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसके ऊपर हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। इससे क्या हमारा नाश्ता देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब लेके चलते गैस की तरफ। तो इधर मैंने भगोनी में पहले ही गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। भगोनी की जगह आप कढ़ाई भी ले सकते हो। इसके ऊपर रख देंगे हम इस प्लेट को। मेरी प्लेट अच्छे से बैठ जाती है, भगोनी में बराबर सेट हो जाती है, इसलिए मैं भगोनी लेती हूँ। आप यहाँ पर कढ़ाई भी ले सकते हो। अब इसे हम ऊपर से दूसरी प्लेट से इस तरीके से ढक देंगे, और इसे हम देखेंगे 15 मिनट के बाद में। 15 मिनट में हमारा नाश्ता परफेक्ट तैयार है, तो अभी देख लेते हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा बना है, मैं आपको और पास से भी दिखा देती हूँ। तो नीचे उतार लेती हूँ प्लेट को, और नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा बना है। और देखिए इसमें इस तरीके से बबल्स आ गए हैं, इससे ही मालूम हो जाता है कि हमारा नाश्ता बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और परफेक्ट तैयार है। तो इसे अब निकाल लेते हैं। पहले हम लगाएंगे इसको ऊपर तड़का। तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच के से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच राई, कड़ी पत्ते और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको इसके ऊपर डाल देंगे। आप यहाँ पर चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स भी ले सकते हो, लेकिन मैंने रेड चिली फ्लेक्स नहीं लिया है,
क्योंकि मैंने ऊपर से लाल मिर्ची डाली थी, इसलिए इसको इसके ऊपर अच्छे से फैलाएंगे। तो देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा लग रहा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी है और एकदम हल्का फुल्का खाना है ना। इस पर हमने इसको फ्राई किया है, बहुत ही अच्छा नाश्ता। इस तरीके से स्टीम करके नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है और आसानी से बन भी जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हम कट लगाएंगे, आप यहाँ पर कोई से भी शेप से काट सकते हो। देखिए काटने से मालूम हो रहा है कितना नरम लग रहा है, एकदम फूला फूला सा। मैं इधर से भी इसे काट लेती हूँ, आप छोटे छोटे पीस भी काट सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर बजाए, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी में कट लगा लिया है, अब एक पीस मैं आपको निकाल के भी बताती हूँ, आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा ये नाश्ता। ये देखिए कितना अच्छा नाश्ता बना है हमारा, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना, एकदम सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है, और आपको पीछे की साइड से भी मैं दिखाऊंगी, देखिए कितना अच्छा बना है, एकदम बबल्स निकल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से नाश्ता बनाते हैं तो। और ये नाश्ता बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। तो आपको ये नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स इस नाश्ते को आप चाहे तो फ्राई करके भी खा सकते हो, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, या ऐसे भी खा सकते हो। बाय बाय।